दोस्तों, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने आज भारतीय क्रिकेट टीम के लिए करण अर्जुन बनकर बल्लेबाजी कर डाली। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पाकिस्तानियों का डटकर सामना किया और बैक टू बैक चौके हुए छक्के भी जड़े। इन दोनों की खतरनाक और शानदार पारी का पूरा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम और एमएस धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान टीम के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जो वर्ल्ड कप के बारे में सब कुछ बयां कर रहा था। आपको बता दें कि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप भी होना है। इससे पहले एशिया कप में हमारी और पाकिस्तान की टीम कल आमने सामने उतरी थी। कहने को तो श्रीलंका की मिट्टी पर यह मुकाबला हुआ था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत को अगर जीतना था तो अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाना था, लेकिन इस गेंदबाजी पिच पर न जाने क्या सोचकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी और फिर बल्लेबाजी खुद ही नहीं कर पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने श्रीलंका की पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और फिर ओपनिंग की कमान संभालते हुए रोहित शर्मा और सुमन गिल मैदान पर उतरे, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी पाकिस्तान के आगे ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम के गेंदबाज साइन अफरीदी ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया की कमर ही तोड़ डाली और रोहित शर्मा को 11 रन के स्कोर पर बोल्ड मार दिया। उसके बाद विराट कोहली को 4 रन के स्कोर पर उनकी किल्लियां उखाड़ दी और फिर 10 रन के निजी स्कोर पर गिल को भी आउट कर दिया। लेकिन तभी मैदान पर टीम इंडिया के ऐसे यंगस्टर ने कदम रखा, एक ऐसे विकेटकीपर बैट्समैन ने पारी खेली जिसे किसी को भी अपेक्षा नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की और उनका साथ दिया आईपीएल के ऑल टाइम फेवरेट विनर हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन ने वाकई में सभी खिलाड़ियों की आंखें चकाचौंध करके रख दी। एक तरफ जहां विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं ईशान किशन ने बैक टू बैक चौके हुए छक्के चढ़ने शुरू कर दिए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, जिस हैरिस रॉफ की चर्चा पूरे भारत पाकिस्तान में होती है उसी को पारी के 12वें ओवर की 4थी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार छक्का जड़ दिया। इतना ही नहीं बल्कि नसीम शाह को भी बैक टू बैक चौके जड़े और गिल के आउट होने के बाद भी दोस्तों ईशान किशन के कदम नहीं डगमगाए और फिर हार्दिक पांड्या ने भी हरीश रॉफ की जमकर पिटाई शुरू कर दी। दोस्तों, पांड्या और ईशान किशन पूरी तरह मैदान पर सेट हो गए थे। मैदान के चारों तरफ चौके हुए छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। इसी बीच ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार 50 ठोक दी। दोस्तों, पांड्या और ईशान किशन की बल्लेबाजी देख पाकिस्तान टीम में दहशत का माहौल बन गया। ईशान किशन पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरीके से समझ चुके थे और फिर मैदान के चारों ओर लगातार शॉट मारते जा रहे थे, लेकिन तभी ईशान किशन हरीश रॉफ की बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में बाबर आजम को कैच थमा बैठे और आउट हो गए। ईशान किशन ने अपनी तूफानी पारी में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए। और दोस्तों, तभी हार्दिक पांड्या भी साइन साफरीदी के गेंद पर आगा सलमान को कैच थमा बैठे और आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने 87 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। दोस्तों, दोनों ने मिलकर 150 रन से भी बड़ी साझेदारी बनाई और टीम इंडिया इन दोनों के बदौलत 267 रनों तक पहुंच गई। खैर दोस्तों, आपको हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही शानदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और